सुप्रभात विद्यार्थी, आज हम पाठ 8 खरगोश के बच्चे की कहानी पढ़ेंगे। हर बच्चे के बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य होती है जो उम्र भर नहीं भूलती। कुछ ऐसी घटनाओं को लेखक ने यहाँ पे याद किया है। ओके स्टूडेंट, आइए हम एक छोटे से खरगोश के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 8 खरगोश के बच्चे। हर बच्चे के बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य होती है जो उसे उम्र भर नहीं भूलती। कुछ ऐसी ही घटनाओं को लेखक ने यहाँ याद किया है। बचपन को याद करूं तो नरम मुलायम बालों वाले वे प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे जरूर याद आते हैं। पहले पहल मैंने नूरा के पास उन्हें देखा था और देखते ही मुग्ध हो गया था। नूरा बकरियां चराता था, पता नहीं कहां से वह खरगोशों का एक खूबसूरत जोड़ा भी पकड़ लाया था। फत्तू हमारे घर का बरसों पुराना नौकर था, बहुत भला आदमी था, मेरा तो वह दोस्त ही बन गया था। एक बच्चा था, उसका दोस्त कौन बन गया था? एक आदमी नौकर जो उसके घर में काम करने आता था वो उसका दोस्त बन गया था। एक दिन मैंने फत्तू से पूछा, कहा एक जोड़ा खरगोश तुम भी पकड़ लाओ ना। फत्तू मेरी बात टालता रहा, मैं भी अपनी हट पर कायम था। हर रोज नूरा के घर जाकर मैं उसके खरगोश देख आता। नूरा कहता, तुम्हें खरगोश इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने बाड़े में तुम भी क्यों नहीं पाल लेते खरगोश। मैं ठठेरों के लड़कों से खरगोश के लिए चौकोर पिंजरा बनवाने में सफल हो गया। घर वालों की नजर बचाकर मैंने यह पिंजरा पशुओं वाले घर में ला रखा। एक दिन शाम को मैं नूरा से कहकर खरगोश का एक जोड़ा ले आया और उस पिंजरे में जा रखा। नूरा ने पिंजरे में घास और सब्जी के टुकड़े डाल दिए। खरगोश का जोड़ा घास और सब्जी पर मुंह मारने लगा। वे मेरी नई दुनिया के साथी थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारी दुनिया उतनी ही मासूम है जितना वह खरगोश कहा का जोड़ा। फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वह भी खुशी से नाच उठा। वह मजे से खरगोश की आंखों में झांकता रहा। एक बच्चा है, उसने खरगोश पाला तो वो इतना खुश हो गया कि उनको बहुत खुशी होने लगी कि मेरा एक कोई दोस्त आ गया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। जाड़े के दिन थे। अगले महीने हमारे खरगोश 2 से 7 हो गए। एक साथ 5 बच्चे एकदम लाल लाल। उनके शरीर पर एक ही भी बाल नहीं था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर सफेद बाल नजर आने लगे। उनकी आंखें खुल गई और वे खूब उधम मचाने लगे। बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा की 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 आवाज से अपनी खुशी प्रकट करता था। उन्हें अपने और खरगोश के लिए कोई खतरा महसूस होता तो की की आवाज और भी तीखी हो जाती थी। मुझे यह पता चलते देख ना लगी कि खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं। पिंजरे से बाहर निकलते ही खरगोश के झुंड लकड़ी की तरफ लपकते। लकड़ी पर अपने दांत आजमाने के बाद कपड़ा तलाश करते हुए कुछ न कुछ जरूर चाहिए जिस पर उनके दांत चल सके। मुझे तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी खरगोश का ध्यान रहता था। जो बच्चा था उसको पढ़ते पढ़ते अपने खरगोश के बारे में वो सोचते ही रहता था। जब सुबह सुबह हमारे स्कूल के लड़के और अध्यापक मिलकर प्रार्थना गाते तो मेरी कल्पना में खरगोश के बच्चे भी अपनी कीकी की मीठी आवाज के साथ बड़े अटपटे ढंग से प्रार्थना गा रहे होते हैं। जैसे वो प्रार्थना करते रहते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे मतलब खरगोश के बच्चे उनके प्रार्थना में है, की करके उन लोग भी प्रार्थना करें। स्कूल से लौटकर मैं दौड़कर एक बार पशुओं वाले घर में जरूर जाता। पिताजी कभी कभी डांटते, माँ से कहते
देखना, इन खरगोशों के चक्कर में इस बार यह जरूर फेल होगा। सुनकर मुझे दुख होता, खरगोश मुझे प्यारे थे पर उनके कारण मेरी पढ़ाई में तो कोई नुकसान ना होता था। मुझे समझ में ना आता कि पिताजी क्यों इन भोले भाले जीवों से नाराज हैं। ये किसी का कुछ नहीं लेते। परीक्षा के दिन नजदीक आए तो मैंने पिताजी के डर से खरगोश के पास बैठना कम कर दिया। एक दिन स्कूल जाने की जल्दी में मैंने झटपट पिंजरा खोला, खरगोश की मुलायम पीठ पर हाथ फेरा और स्कूल की तरफ दौड़ा। स्कूल से लौटा तो मुझे दिल दहलाने वाला समाचार सुनाया फत्तू ने। खरगोश के दो बच्चे मर गए। गलती मेरी थी, जल्दबाजी में मैंने पिंजरा अच्छी तरह बंद नहीं किया था। एक कुत्ते ने मौका पाकर दो खरगोशों के प्राण ले लिए थे। सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पिंजरे में भी कुछ खरगोश थे। अगले दिन फत्तू उन्हें जंगल में छोड़ आया। मैंने ही उसे रोक रोक कर ऐसा करने के लिए कहा था कि क्योंकि मेरा मन कहता था कि उन दो खरगोशों की मृत्यु के लिए ही मैं ही जिम्मेदार हूँ। यो मेरे वे प्यारे खरगोश चले गए पर मन से उनकी यादें कभी नहीं गई थी। जो बच्चा था फत्ते और एक छोटा सा बच्चा था, दोनों ने एक खरगोश का बच्चा पाला था। खरगोश को उसने गलती मतलब स्कूल जाता है, स्कूल की वजह से उनका स्कूल जा रहा था तो उनके मम्मी पापा का ऐसा रहता था कि खरगोश की वजह से उसका पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। तो उसने क्या किया, एग्जाम आता है तो खरगोश को जो है उसको खुला ही छोड़ के चले जाता है। जल्दी जल्दी में उसको खोल के चले जाता है तो वहां पे कुत्ता घूमते रहता है। वो खरगोश को आते ही मतलब खरगोश को देख लेता है कुत्ता घूमते हुए, तो फिर वो कुत्ता जो है ना खरगोश को मार देता, दबोच लेता है। तो वो आता है स्कूल से, उसको ऐसा लगता है कि मेरा खरगोश कैसे मर गया करके। तो उसने बोला कि मेरी गलती है, मैंने खरगोश को खुला छोड़ के चला गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे शब्दार्थ। मुग्ध मतलब मोहित, मासूम मतलब भोला भाला, उधम मतलब उछल कूद, तलाश यानी होता है ढूंढना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सही विकल्प का पर राइट का निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको सही विकल्प में राइट का निशान लगाना है। सही विकल्प पर राइट का निशान लगे। लेखक को बचपन याद करने पर विशेष रूप से याद आती थी खरगोश की कि फत्तू की, बताइए किसकी याद आती थी, खरगोश की। टिक लगा दीजिए। ख, बच्चे ने पिंजरा खाली मंगवाया कि बनवाया, तो क्या किया था बताइए, पिंजरा बनवाया था। ठीक है, टिक लगा दीजिए। खरगोश मारे गए थे बच्चे की गलती से या पिताजी की गलती, तो बच्चे की गलती से। फिर बच्चे को खरगोश को भेजना पड़ा, कहाँ भेजना पड़ा बेटा बताइए, बाजार की जंगल, जंगल। सही कथन पर गलत, सही का और गलत गलत पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, फत्तू बहुत भला आदमी था, तो क्या आएगा, सही। खरगोश के कारण बच्चे को डांट पड़ती थी, सही की गलत बताइए, सही। खरगोश के दांत कमजोर होते हैं, गलत। बच्चा जल्दी ही खरगोश को भूल गया, गलत। वो नहीं भूला उसको, हमेशा उसकी याद आती थी। ओके स्टूडेंट, ये आप लोग का क्लास वर्क रहेगा, आगे का आपको होमवर्क में दिया जाएगा। टुडेज वर्क कंप्लीट। थैंक यू।